पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस एसआई भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। लखनऊ में अभ्यर्थियों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करके नाराजगी जाहिर की। अभ्यर्थियों का कहना है कि बीते नवंबर 2021 को हुई परीक्षा में जमकर धांधली की गई है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी कार्यालय पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। आपको बताते चलें, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली। वहीं गुस्साए अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से न्याय की मांग करी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अभ्यर्थियों की और पुलिस की झड़प देखने को भी मिली है। थोड़ी बहुत नोकझोंक यहां पर देखने को मिली। 20 दिनों से लगातार ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां पर मांग की जा रही है न्याय की। भारी फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं। यूपी के एसआई के अभ्यर्थी का हल्ला बोल लगातार जारी है। 20 दिनों से प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फिलहाल इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के साथ अगर आज की हम बात करते हैं तो आज पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। तो लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप ये अभ्यर्थी लगातार लगा रहे हैं और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पिछले 20 दिनों से ये लगातार प्रदर्शन जारी है। यूपीएसआई के अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी। नवंबर 2021 में हुई परीक्षा में धांधली का आरोप ये अभ्यर्थी लगा रहे हैं। तो अभ्यर्थी लगातार धांधली का आरोप लगा रहे हैं। 2021 में जो नवंबर में परीक्षा हुई थी इसको लेकर के 20 दिनों से ये प्रदर्शन यहां पर उनकी तरफ से किया जा रहा है। भारी फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। अगर आज की हम बात करें तो आज पुलिस की और अभ्यर्थियों की हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को भी मिली है। पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सरफुद्दीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफुद्दीन खान, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से यहां पर नवंबर 2021 में जो परीक्षा हुई थी, धांधली का आरोप लगातार अभ्यर्थी लगा रहे हैं, 20 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है, फिलहाल आज की अगर बात करते हैं तो आज पुलिस की और अभ्यर्थियों की नोकझोंक देखने को मिली है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? सिक्किम आपको बता दे 20 दिन से इन लोग अपनी जो है मांगों को लेकर के जो है हर जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज जो है वहां से उनको निकल करके उनकी हिम्मत इतनी आज बढ़ गई कि जो है आज विधानसभा के सामने बीजेपी कार्यालय के सामने उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहां पे लेट गए और उसके बाद अपनी तो मांगों को एक ये बहुत बड़ी किस्मत की बात है जो है पुलिस विभाग के लिए जो है हानिकारक बनता चला जा रहा है। और उनकी जो है मांगे हैं उनको यही है कि उनकी नियुक्ति नहीं मिल रही है। उनके सब सारे टेंडर पास भी हो चुके हैं, उनकी परीक्षा भी हो चुकी है और जो लीक हुआ था पेपर जो लीक हुआ था वो भी कहीं ना जो है मामला सफा हो चुका है। मगर अभी इतने बेचारे परेशान हालात में हो गए हैं कि वो अपनी अपनी मांगों को लेकर के किसके पास जाए। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो है सरकार जो चल रही है उनके जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है अपनी प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन करने के बाद काफी जो है नोकझोंक भी होती है, पुलिस से भी नोकझोंक होती है। एक बहुत बड़ी बात विफलता ही की है कि जो पुलिस विभाग के लोग जो भर्ती होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पहले जो है पुलिस से भिड़ना पड़ रहा है, उसके बाद क्या उनके सामने नजर आती बात है वो तो देखने की बात होगी। जी सकते बिल्कुल सैफुद्दीन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 20 दिनों का समय बीत चुका है, 20 दिनों से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, अपने हक के लिए आवाज उठाई जा रही है, क्या कोई अधिकारी या किसी प्रकार से कोई प्रशासन इनके पास पहुंचा है, आश्वासन इन्हें अभी तक कोई दिया गया है?
फिलहाल हमने डीजीपी साहब से बात की थी, प्रशांत गोयल से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इसकी जो जांच चल रही है, जांच जब तक क्लियर नहीं हो पाएगी तब तक इसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। फिलहाल जो सारी चीजें जो प्रक्रिया थी वो सारी पूरी हो चुकी है, दौड़ पूरी हो चुकी है, परीक्षा पूरी हो चुकी है, इनकी नियुक्ति के लिए एकदम सिर्फ यही था कि जो है इसको नियुक्ति मिलना है, बस बाकी किसी का मामला भी मामला सामने नजर आया अड़गी हुई स्थिति में। एक बहुत अहम ये बात बता दें, जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामले होते हैं नौकरी के मामले को जो लेकर के चले जाए, वो पुलिस विभाग का हो चाहे शिक्षा विभाग का हो चाहे वो टीचरों का मामला हो, अभी तक की जो सरकार इस बात को जो देख नहीं पा रही है, इसको समझ नहीं पा रही है कि कैसे किस तरह से आम आम लोगों को हम जो है भर्ती करें और कैसे लोगों को लेकर क्या है अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा हो चाहे वो हम डीजीपी की मामला हो चाहे प्रशांत कुमार के जो है ऑफिस का मामला हो चाहे विधायक का मामला हो, तब इन लोग ने जो है केशव प्रसाद मौर्य घर पर भी जो है इन लोग ने धरना दिया था, वो प्रदर्शन किया था, वहां से भी खदेड़े गए थे और उसके बाद जो धरना स्थल पर उनको भेजा गया। आज सुबह धरना स्थल पर 20 दिन से वहां पड़े हुए थे, आज उन्होंने हिम्मत जुटा करके विधानसभा के सामने आकर के फिर प्रदर्शन किया और लोगों से जानकारी यही ली कि किस तरह का जो है माहौल, हम लोग को कैसे नौकरी दी जाएगी, हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग के आखिरी आशीर्वाद यही होगी कि हम लोग अपने हाथ बदा कर लेंगे। जी 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 बिल्कुल सैफुद्दीन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट ये चल रहा है 20 दिनों से लगातार, अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कब तक इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ललितपुर और चंदौली की घटना को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताते चले, प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करी है। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो ललितपुर और चंदौली मामले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ आपका ये प्रदर्शन लगातार जारी है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सैफुद्दीन हमारे साथ लगातार बने हुए। सैफुद्दीन आपका रुख करूंगी, यहाँ पर ललितपुर और चंदौली मामले को लेकर के जो प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? सिक्किम आपको बता दें, जिस तरह से एक बहुत अहम होता है, सपा सरकार जो थी विपक्ष में बैठती थी, वो कोई भी कोई घटना होती थी या पुलिस का मामला हो या जनता का मामला हो तो वो कहीं ना कहीं जमीन से उतर के आती थी और विपक्ष में अपना काम करती थी। फिलहाल ये सब चीजें मामले में जो है मामला जो है सपा सरकार बहुत दूर हो गई। आम आदमी पार्टी ने आज चंदौली को लेकर के प्रदर्शन किया, उन्होंने यही कहा कि जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं जिसमें जो है इसमें घटना स्थल है जो इसमें लिप्त है उनको कहीं ना कहीं जो है सस्पेंड किया जाए, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। फिलहाल अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया उनका प्रदर्शन बहुत जेन्युइन रहा और जो है काफी लोगों को हाथापाई पुलिस से भी हुई, पुलिस के खिलाफ स्थल पर जो है काफी मामले सामने बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, कारण कहीं ना कहीं यही है कि पुलिस जो है हाथ पे हाथ बैठी हुई है और जो बदमाश डाकू जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस को हत्या में एकदम चूरन की तरह समझ रहे हैं और अपनी घटनाओं करते के लिए, मगर जब जहां पुलिस की घटना इस तरह की होती है तो हौसले जो है बदमाशों के बढ़ते हैं और बेचारे आम आदमी के साथ जो कहीं घटना जो होती है वो उसको जो है अपना नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हमको आगे क्या करना है। सिक्किम एक बहुत एक अहम बहुत बात बता दें कि जिस तरह से घटना जो हुई है पुलिस वालों के आंखों के सामने जो घटना हुई है सब जानकारी में घटना हुई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है निशान, सरकार का भी उठ रहा है पुलिस का भी उठ रहा है। जी 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 बिल्कुल सैफुद्दीन, जो देखिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है और यहाँ पर स्थिति चिंताजनक बन जाती है। तो ऐसे में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, क्या किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? प्रशांत कुमार से एडीजी नॉन ऑर्डर प्रशांत कुमार से उनकी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि अभी जांच चल रही है, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप ये बता दें, जब जांच होती है और जांच की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इतने दी जाती है, डेट दी जाती है और जनता को कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिल पाता है, और जब इंसाफ नहीं मिल पाता तो वो है उसके बाद दो ही ऑप्शन होते हैं, रोटो भी निकल के आता है और उसी पुलिस वालों से जो है मार खाता है जिनसे जिनको जो घटना कर चुके होते हैं, वो क्योंकि उनके अंदर एक जज्बा रहता है कि जो है हमें इंसाफ मिल पाएगा, वो सरकार के आगे झुक रहे हैं बात कर रहे हैं मगर सरकार उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। फिलहाल जिस तरह से मामला भी ये मामला जो सामने सीतापुर वाला आया है इसको लेकर कहीं ना कहीं चंदौली के लोग भी जो है आगोश में, वो कोई बड़ी घटना का भी अंजाम हो सकता है, इसलिए प्रशांत कुमार से हमने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि जनता को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके साथ कार्रवाई होगी, और दूसरी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे चल के कोई भी ऐसे सीबीआई को भी दिया जा सकता है, एक बड़े लेवल पे जांच हो सकती है। फिलहाल अभी वहां के चंदौली सीओ सदिया ने आधा घंटा पहले मैंने बात करी, उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो है जो दोषी है उसमें बड़े लेवल पे कहीं फंसे गए मगर पुलिस का कोई हाथ नहीं है, भाई पुलिस पुलिस को बचाती है, जनता जनता को नहीं बचा पाती है। फिलहाल इसके बहुत बहुत सवाल है निशान पुलिस के पास उठ रहा है।
जी बिल्कुल सैफुद्दीन, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, जब भी किसी मामले को लेकर के आवाज उठाई जाती है, प्रदर्शन किया जाता है, तो जब अधिकारी से बात की जाती है तो उनका एक ही जवाब होता है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो नहीं पता होता है कि आखिरकार ये जांच खत्म कब होगी, कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। जब मामला सबके सामने होता है, तस्वीरें सबके सामने होती है, हर एक जानकारी सबके सामने होती है, फिर आखिरकार किस बात का इंतजार किया जाता है, वो जांच कितनी लंबी जाएगी ये किसी को नहीं पता होता है। सैफुद्दीन हालात ऐसे नजर आते हैं, इस तरह लोग फिल्मों में कहते हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख तो मिल जाती है मगर कहीं कहीं इंसान को जो है इंसाफ नहीं मिल पाता है। पुलिस के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, ये भी बहुत बड़ी अहमियत की बात है कि पुलिस के खिलाफ नहीं जाती है, कार्रवाई तो होती है मगर जो है जो दोषी होते हैं वो साफ साफ सुथरे साफ से निकल जाते हैं और सजा जो पाते हैं वो आम जनता को सजा मिल जाती है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि कानून के जो पलटना होता है, जो दायरे होते हैं उनको कैसे निकालना है, उनमें से किस तरह से बाहर निकलना है। फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सरकार जब पुलिस के ऊपर इतना जो है जनता का विश्वास वो हट चुका है, पत्रकारों से आगे अपने इंसाफ की बात करते हैं, लोगों से अपने इंसाफ की बात करते हैं मगर पुलिस वालों के पास जाना पसंद नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि जब वो अपनी अपनी एप्लीकेशन लेके पहुंचते हैं और एप्लीकेशन मुंह में मार दी जाती है, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि आप एप्लीकेशन लेके जाइए, वहां पे आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो हमको फोन करके बताइए। फोन उत्तर नहीं है, बात हो नहीं पाती है, अधिकारी से बात नहीं हो पाती है, अधिकारी का नंबर किसी के पास हो नहीं पाता है। आज उत्तर प्रदेश सरकार अभी योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हर थाने पर बड़ा अधिकारी का नंबर होगा, उनसे बात होगी। फिलहाल बात होती है कि आपको आश्वासन दे दिया जाता है कि हम आपके साथ इंसाफ होगा, मगर इंसाफ इतना लंबा हो जाता है कि इंसान खत्म हो जाता है, इंसाफ नहीं मिल पाता। जी 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 बिल्कुल सैफुद्दीन, एक और सवाल यहाँ पर है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आपकी बात हुई, अगर यहाँ पर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आगे उनका क्या कुछ रुख होने वाला है? सिक्किम आपको बता दें, उनसे बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि जो है इंसाफ नहीं मिलता है तो हम चंदोली के जगह पर भी जाएंगे, वहां भी अधिकारियों से बात करेंगे, फिलहाल हमें इंसाफ नहीं मिलता है और उनको वहां नहीं हो पाता है तो आम आदमी पार्टी के विधानसभा के सामने बैठकर बैठा देंगे और एक तरह से अलग तरह से जो है प्रदर्शन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी कुछ भी होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल हम आपको दृष्टि बता दें कि जितना भी माहौल बना हुआ है, हम प्रदर्शन तो कर रहे हैं, आम आदमी प्रदर्शन कर रही है मगर और सरकारें चुप पे बैठी हैं, और लोग चुप पे बैठे हुए हैं, हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाए, छोटे लेवल पे जाए, कहीं ना कहीं प्रदर्शन हुआ करते हैं, चाहे किसी की सरकार होती, सपा की होती, बसपा की होती थी, चाहे अब बीजेपी की सरकार है, मगर जो विपक्ष बैठा वही करे कहीं ना कहीं कमजोर बैठा हुआ है, चुप्पी साझे हुए, इसका सवाल ये भी उठ रहा है क्यों चुप है, क्या गुनहगार बनते हैं, क्या वो उनके आगे भी गुनाह हुए हैं, उनके जब हुए किसी और पार्टियों ने प्रदर्शन किया है, रोडों पे निकल करके आए हैं, मगर अभी इनको इंसाफ मिलने के लिए सारे सरकार को जो है इकट्ठी कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी ने कोशिश कर रही है और ये तिनके से जुड़ता चला जाएगा और कहना करिए बहुत बड़ा सवाल निशान इनके सरकार के ऊपर भी उठा है कि कैसे इनको इंसाफ दिला जाए और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं चुप कराया जाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी से जितना जो फैसले ले रही है और घटनाओं जो जा रही है, लोगों से बात कर रही है, जनता से बात कर रही है, वो भी उनके लिए अहम रास्ता बनता है। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, बिल्कुल सही बात है आपकी, और अब देखने वाली बात यही होगी कि ललितपुर मामले में और चंदौली मामले में आखिरकार कब तक जांच हो पाती है और कब तक ये दो दोषी पुलिसकर्मी है इनको सजा मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफुद्दीन। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में मौजूद बार में आए दिन बवाल होने के बावजूद प्रशासन अभी तक कोई भी कार्रवाई करने में नाकाम हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस एक तरफ कार्रवाई करती है तो दूसरी तरफ बार मालिक मोटी रकम देकर के मामला रफा दफा करा देते हैं और फिर से बार संचालित हो जाते हैं। वही आए दिन हो रहे बवाल के चलते अब पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होने लग गए। तो बार में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, अब यहां पर प्रशासन पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले ये हादसा तब हुआ जब एक अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। कार आगरा से नोएडा की ओर जा रही थी। मृतकों में 3 महिला, 3 युवक और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग आगरा से नोएडा शादी समारोह में जा रहे थे और ये परिवार संडीला हरदोई का रहने वाला है। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने टक्कर यहां पर मारी है। तो आपको बताते चलें हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
आइए भैया, एक मिनट पीछे। भैया भैया आज सुबह थाना नवजीत क्षेत्रांतर्गत जनमय हाई पर माइनर सिटी 8 के निकट एक वैगनार का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वाहन में सवार 3 पुरुष 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। एक पुरुष और एक बच्चा घायल है, जो जिसका हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। इस प्रकरण में जांच करते हुए लखनऊ के गुडुब्बा इलाके में खाली प्लॉट में एक युवक का सिर कटा शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बुलाकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। एडीसीपी उत्तरी प्राची सिंह ने बताया कि जाहिरापुर मोहल्ले में खाली पड़े प्लॉट में करीब 35 साल के अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिली है। साथ ही साथ बताया गया कि मृतक ने गुलाबी रंग की शर्ट और काली जीन्स पहनी हुई थी। एडीसीपी ने बताया कि प्लॉट में काफी झाड़ियां थी, उन्हीं के बीच शव पड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। पुलिस पता लगा रही है कि किसी थाने पर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की गई है। जो पूरी बॉडी एक सुबह 7:30 बजे गुडम्बा थाने के अंतर्गत खत्री चौकी पड़ती है, जहां पे एक गांव है जिसका नाम है जहिरापुर, वहां पे एक डेड बॉडी मिली थी। उस डेड बॉडी का सर धड़ से अलग था। डेड बॉडी में जो पूरी बॉडी एक चद्दर में लिपटी हुई थी और मृतक ने एक शर्ट पहनी थी और नीचे एक हाफ पैंट टाइप का कुछ था वो पहना हुआ था। पिंक कलर की शर्ट है और स्लेटी कलर का उसका हाफ पैंट है। अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है उसकी। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे शिनाख्त करने की और अग्रिम विधि कार्रवाई। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रजत पीजी कॉलेज के संगोष्ठ कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नवनिर्मित बैडमिंटन एकेडमी डॉक्टर आर्जव सिंह बैडमिंटन स्पोर्ट्स एकेडमी और नेशनल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। साथ ही कला संगीत खेल विज्ञान न्याय शिक्षा स्वास्थ्य नारी सशक्तिकरण और समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में कार्य करने वाली महान विभूतियों को प्रशिक्षित पत्र और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित उन्होंने किया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर श्रम और सेवा योजन राज्य मंत्री अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों को मिले। उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण करके गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, जिसका जल्द ही काम शुरू करने के लिए सीएम योगी ने आदेश दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हर धर्म की गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराने के साथ ही सरकार की योजनाओं का विस्तार करने को कहा गया है। अगर कोई भगवान न करे आपका में अटल आवासीय विद्यालय, हम मजदूरों के लिए 18 आवासीय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं 18 मंडल में, जैसे अलीगढ़ में, सहारनपुर में, गोरखपुर में, कानपुर में, मेरठ में, ऐसे ही लखनऊ में, तो हर जगह हम लोग 18 आवासीय 18,000 हमारे जो बीओसी के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके लिए हम लोग आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। वहां से उनको हम टेक्निकल शिक्षा देके उनको बाहर निकालेंगे, जिससे उनको स्वरोजगार की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि नौकरियों की एक सीमा है कि 4 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, 8 करोड़ हो सकते हैं। पूरे भारत में 18 करोड़ हैं, 18 करोड़ में 10 करोड़ केवल गवर्नमेंट के हैं, बाकी 8 करोड़ सेमी गवर्नमेंट के हैं। तो बाकी जैसे हमारी फैक्ट्रियां हैं और जैसे आप टेक्निकल आईटीआई हैं, तो हम वह व्यवस्था करके उनको व्यावसायिक शिक्षा दे के और उनको इंटर पास करके निकालेंगे। जैसे कहीं रेलवे स्टेशन में, कहीं आप बस स्टैंड पर देख रहे हैं, तो जो आवारा बच्चे जिनको बेचारे छोड़ देते हैं, घर परिवार वाले भी छोड़ देते हैं, उन सबको एकत्रित करके प्रत्येक मंडल में 1,000 के हमने अभी सीमा रखी है और अक्टूबर से हमारा सत्र प्रारंभ हो जाएगा।